नहीं खत्म हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली में आप तेजी देखने को मिले। नमस्कार, मैं हूं अभिनय, कैमरे के पीछे है सौरभ अंसारी, आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद आजमगढ़ से, जहाँ आजमगढ़ पुलिस ने 25,000 की इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनामिया बदमाश को गिरफ्तार करने में मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। देखिए, कल मुबारकपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी रात में 9:45 बजे के आसपास, तो मोटरसाइकिल पे 3 बदमाश दिखे। जब उनको रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस पे फायर कर दिया। उसमें रामू पकड़ा गया है, रामू यादव। ये रामू यादव पहले से वांटेड था हमारे यहाँ मुबारकपुर में, एक लूट की घटना हुई थी, बाद में इनकी तलाशी में इनके यहाँ से तमंचे मिले हैं और इसने कन्फेस किया कि हाँ, लूट जो है हम ही ने किया था। उसमें CCTV फुटेज में भी इन लोगों के थे, जो सुशील उर्फ गोलू इसमें वो हुआ है, वांटेड चल रहा है, जो भागे हैं लड़के उनकी शिनाख्त हो गई है, गुलशन यादव और सुशील उर्फ गोलू पांडे, ये दो भागे हैं, इनकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। हमारी 2-3 पार्टियां निकली हुई हैं, ये शीघ्र गिरफ्तार हो जाने की संभावना। दो गिरफ्तार हो चुके अब तक, एक रामू, कितने फरार चल रहे हैं सर? फरार दो अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं।